भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के कई दीवाने हैं और उन्हीं में से एक दीवाने हैं रितेश पांडे। जी हाँ, रितेश पांडे जब काजल राघवानी के साथ उनके शो कुछ खट्टी कुछ मीठी में लाइव आए थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि जो चीज़ आपको सुनने में अच्छी लगती है आप उसी का अनुसरण करते हैं। और पवन सिंह का गाना मुझे सुनने में अच्छा लगता है, पवन भैया का गाना मुझे सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूँ। जबकि पवन भैया ने मुझे ये कहा है कि तुम अपनी गायकी में थोड़ा सुधार करो। मैंने सुधार किया क्योंकि हम दोनों की गायकी काफ़ी मिलती जुलती है और उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड भी किया है। यहाँ पर पवन सिंह का नाम लेते हुए वो ये भी कहना नहीं भूले कि मैं जब छोटा था तो मैंने पवन सिंह के गाने सुने हैं और मेरे गांव वो आए थे गाना गाने के लिए। खैर, हम आपको यहाँ ये बता दें कि काफ़ी लोग रितेश पांडे और पवन सिंह के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, यानी कि उन लोग के बीच जो कड़वाहट पैदा करते हैं वो लोगों के लिए इनका करारा जवाब था। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने ये बता दिया कि वो पवन सिंह के कितने बड़े फ़ैन हैं और ये भी बता दिया कि पवन सिंह को वो कॉपी करते हैं, किसी और को नहीं। ये हमेशा रितेश पांडे पर एक तरह से बोला जाए तो ब्लेम लगता था, और जिसके लिए उन्होंने सहस्र इस बात को स्वीकार किया भी है कि वो उनकी कॉपी करते हैं। और पवन सिंह ने ही उन्हें कहा है कि उनकी कॉपी न करके थोड़ा और अलग आवाज़ में गाओ, क्योंकि पवन ने अप्रिशिएट करते हुए रितेश पांडे को ये भी कहा था कि तुम्हारी आवाज़ में जादू है और एक दिन तुम भोजपुरी इंडस्ट्री पर रूल करोगे। खैर, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमने आपके लिए वीडियो क्यों बनाया? हमने आपके लिए वीडियो इसलिए बनाया कि इस पूरे लाइव में काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया और ना ही खेसारी के टॉपिक पे कोई भी बात करते या यूं कह ले कि उनका नाम लिए बगैर भले ही इस पूरे लाइव में रितेश पांडे ने बात की हो कि उनके गानों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, जब वो गाने सुपर डुपर हिट होते हैं तो किस तरह रिपोर्ट की जाती है, लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव का नाम नहीं लिया गया। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि रितेश और खेसारी में कोई भी द्वंद नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। इन दोनों में अच्छा खासा द्वंद है। आपने देखा होगा कि रितेश पांडे का गाना हेलो कौन 600 मिलियन क्रॉस करता है, लेकिन सभी भोजपुरिया स्टार इसके लिए उन्हें बधाई देते हैं, एक्सेप्ट खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह। ये दोनों उन्हें बधाई नहीं देते क्योंकि इन दोनों से इनकी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है रितेश पांडे की। और एक बात आपको बता दें, और इन्हीं दोनों से, अक्षरा और खेसारी से ही कंट्रोवर्सी है काजल राघवानी की। जी हाँ, आपने अभी तक देखा होगा कि कुछ खट्टी कुछ मीठी शो में बहुत सारे सेलिब्रिटी आए एक्सेप्ट अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह यहाँ नहीं आई और ना ही काजल राघवानी ने उन्हें अपने शो पर इनवाइट किया। तो अगर ये कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, और उन कॉन्फ्लिक्टों को किस तरह कहाँ यूज़ किया जाता है ये मोस्ट ऑफ लोगों को पता है, वैसे होनी भी चाहिए क्योंकि ये हर जगह मौजूद है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री हो, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हर जगह होता है, लेकिन एक हेल्दी दुश्मनी होती है तो अच्छा लगता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।